क्या बाबा अपने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अश्लील क्लास चलाता था? क्या बाबा के टारगेट पर 1, 2, 20 या 50 नहीं पूरे 16,000 महिलाएं थी? ये बाबा सन्यासी था या फिर सन्यासी के भेष में हैवान? ये तमाम सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जिन्हें एक एक कर बाबा के बारे में इन खुलासों का पता चल रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस, महिला आयोग, CWC और DCPCR की टीम ने महिला डॉक्टरों के साथ आश्रम में छापा मारा। आश्रम में मौजूद महिलाओं और लड़कियों का मेडिकल जांच कराया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जय हिंद ने बताया कि महिलाओं को नशे की दवा दी जाती थी। रात में लड़कियां यहां से आती जाती हैं और देह व्यापार चलता है। उम्र होने के बाद महिलाओं को विश्वविद्यालय से बाहर निकाल दिया जाता है। पीड़ितों ने जो आप बीतियां सुनाई है उसके अनुसार बाबा हमेशा महिला शिष्यों के बीच ही रहना पसंद करता था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि महिला आयोग और पुलिस की टीम को कुछ वीडियो भी मिले हैं जिससे बाबा की काली करतूतों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आश्रम से कई लड़कियों को सुरक्षित निकालते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि बाबा ने 16,000 महिलाओं से संबंध बनाने का लक्ष्य रखा था। कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने वाली सीमा शर्मा ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप है कि बाबा ड्रग्स लेकर हर दिन 10 लड़कियों के साथ रेप करता था और कहा जा रहा है कि इसी तरह बाबा ने 16,000 महिलाओं को अपने टारगेट पर रखा था। आश्रम से पुलिस ने अश्लील वीडियो, किताबें, जोशवर्धक दवाओं समेत कई आपत्तिजनक सामान जब्त किया है। कार्रवाई रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कोर्ट ने इस मामले को राम रहीम जैसा बताते हुए CBI जांच का निर्देश दिया है। CBI SIT का गठन कर जांच की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि आश्रम में ही कैद की गई एक लड़की के बताने पर उसके परिवार वालों ने बाबा पर रेप का केस दर्ज कराया था। वहीं एक NGO ने भी विश्वविद्यालय में चल रही संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया था, जिसके बाद जांच पड़ताल में जो खुलासा हुआ उससे सभी सन्न रह गए हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।